नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान जन प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात को काफी खास माना जा रहा है, काफी अहम मुलाकात माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार करने को लेकर सरकार की ओर से भी संकेत मिले हैं। राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की यह मुलाकात महत्वपूर्ण है। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं। राजभवन की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और अब से थोड़ी देर बाद इस मुलाकात का दौर शुरू हो जाएगा और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम सारे फैसलों पर आज चर्चा राज्यपाल से मुख्यमंत्री करेंगे। और इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर यह मुलाकात काफी खास मानी जा रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार मध्य प्रदेश में होना है और इस विस्तार को लेकर यह मुलाकात काफी खास। राज्यपाल लालजी टंडन से मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आज मुलाकात करने जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीधे तस्वीरें स्वराज एक्सप्रेस अपने दर्शकों को दिखा रहा है। राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल से मिलने गए हैं और अब से ठीक थोड़ी देर बाद ये मुलाकात शुरू होगी और देखना अहम होगा कि इस मुलाकात के बाद किन फैसलों पर बात होती है, किन मुद्दों पर चर्चा राज्यपाल से मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही ये बैठक इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी इस बैठक पर फैसले हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजभवन से लाइव जुड़ गए हैं संजय डोंगर दिवे। संजय, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंदर जा चुके हैं और उनके साथ कौन कौन है और कब ये बैठक शुरू होगी? बिल्कुल शिवम, अगर देखें तो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच गए हैं, जैसे अभी पहुंचे हैं उनके साथ अकेले मुख्यमंत्री ही यहाँ गए हैं। जिस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्दी ही चर्चाएं शुरू होनी है, तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार की जो काट हम कल से देख रहे हैं, कल से काफी जारी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो बैठक चल रही थी उसके बाद आज मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुंचे हैं। अगर देखा जाए तो इसके साथ अगर एक तो जो कैबिनेट विस्तार की बात आ रही है एक वो है और जिस प्रकार से एक जो प्रधानमंत्री का जो रोजगार को लेकर कि आम जनों तक रोजगार की उपलब्धता को लेकर भी इस पर चर्चा की जाएगी। कहीं ना कहीं एक टच जो आ रहा है जो विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर भी इसमें चर्चा है। अगर देखा जाए तो आज की बैठक जो मुख्यमंत्री की मुलाकात जो है राज्यपाल से कहीं ना कहीं अहम मानी जा रही है क्योंकि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इसके ऊपर भी चर्चाएं हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री आज यहां से परमिशन लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली का भी एक उनका मूव हो सकता है। जी संजय, कब तक ये बैठक खत्म होगी? और जिसके बाद खबर ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे, तो वे कौन से जनप्रतिनिधि हैं जो भोपाल में जिनसे सीएम आज मिल सकते हैं इस बैठक के बाद? बिल्कुल सुबह अगर देखा जाए जो जनप्रतिनिधि जैसे बैठक है क्योंकि कोरोना का महामारी का जो एक अभी भी आंकड़ा देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में काफी सारे पेशेंट उसके मिलते जा रहे हैं तो उसको लेकर भी जैसे विधायक हैं, कुछ सांसद हैं और जो पार्षद हैं और आम जन जो लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात का एक आंकड़ा आ रहा है कि उनके साथ मुलाकात होगी और किस प्रकार से अभी इस महामारी को रोका जाए और इससे किस प्रकार से लड़ना है, इस प्रकार के कई सारे मुद्दे हैं जिससे उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। जी संजय, तमाम सारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में अभी एग्जाम होने हैं, बच्चों के एग्जाम बाकी हैं, जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर भी क्या कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक के दौरान लिया जा सकता है? बिल्कुल शुभम, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स जो होने हैं बरकतुल्ला कई विश्वविद्यालयों के एग्जाम जो होने हैं उसको लेकर जो बातें आ रही थी, कई लोगों ने जो जनप्रतिनिधि उनमें इसको ऑब्जेक्शन लिया था कि जो छात्र हैं अपने अपने घर चले गए हैं और वहां से अब क्योंकि एक नई गाइडलाइन कोरोना वायरस कोरोना के संक्रमण के कारण जब सारे छात्र यहां से चले गए हैं तो उसके लिए भी एक बात कही गई कि वो जहां चले गए हैं वहीं से उनको एग्जाम देने की उनका आदेश दिया जाए या उनकी इस सुविधा दी जाए कि वो
जहां हैं वहीं से एग्जाम दे सके। तो इसके ऊपर भी आज राज्यपाल से कुछ चर्चा होने की संभावना है, उसके बाद ही इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा कि किस प्रकार से छात्रों के एग्जाम पूरे किए जाए। और क्या जिस प्रकार निकल के आ रहा था कि जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को, जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उन्हें कहीं ना कहीं प्रमोशन देने की बात आ रही थी कि इनके एग्जाम ना लिए जाए, जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनके एग्जाम लिए जाए, तो इसके ऊपर भी ये चर्चा का विषय है। और अभी जब एक महत्वपूर्ण सवाल संजय जी भी है कि जो कॉलेजों में, स्कूलों में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता इस वक्त बेरोजगार बैठे हैं क्योंकि काम धंधे ठप हैं, रोजगार नहीं चल रहे हैं, तो इसमें फीस को लेकर भी एक बड़ा संकट है। तो क्या फीस माफी या फीस आधी होने को जिस तरह की राहत भी इस बैठक के बाद कोई फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो, क्योंकि यही नहीं देश में पूरे अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से हर परिवार, हर आदमी, हर मजदूर परेशान है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी कि फीस जो बची हुई है वो किस प्रकार से दी जाए। जैसे कॉलेजों ने भी ये कह दिया है कि अगर फीस नहीं दे पा रहे हैं तो वो लोग भी अपना कैसे खर्चा चलाएंगे, तो इन चीज़ों को लेकर भी चर्चा है कि उनकी आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से सुधारा जाए और किस प्रकार से फीस माफी को भी माफ की जा सकती है, इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मजदूर या परिवार जन ही नहीं, छात्र खुद भी जो अपनी रोजी रोटी से कई लोग अपना पेट पालते थे और कहीं अपनी फीस का देते थे, उनकी भी हालत अब इस टाइम खराब है, तो वो भी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और इस बैठक के बाद क्या कुछ देखने को मिलता है। इस बैठक पर लगातार आप अपडेट बनाए रखिए संजय। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस सहभागी विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद इनके सैकड़ों समर्थकों ने भाजपा की सदस्यता ली है। वहीं प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी लोकेंद्र पारेश्वर का कहना है कि इस हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। उनका कहना है कि सरकार की पहली प्राथमिकता कोरोना महामारी में लोगों को सुरक्षा देना था, इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। स्वराज एक्सप्रेस ने लोकेंद्र पारेश्वर से खास बातचीत की है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अब कांग्रेस का पलायन जारी है। साफ तौर पर माना जा सकता है कि बराबर दो या तीन दिन से कांग्रेस के कार्यकर्ता अब भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदेश के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारेश्वर जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप, बराबर पिछले दो तीन दिन से देखा जाए तो सांची विधानसभा क्षेत्र से, आज गुना बमोरी विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं और सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? वे तभी गए हैं जब कहीं दिल पर चोट लगती है। कोई ऐसा काम होता है जो आदमी को सहन करने तक, उनके जो नेता थे ज्योतिराज सिंधिया, जो भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय सदस्य हैं, नेता हैं, उनसे कहा, जब उन्होंने कहा कि भाई आपने जो वादे किए उनको पूरा करो, कमलनाथ जी ने कहा कि चलो चलो, हो गए वादे पूरे। उन्होंने कहा देखो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा झंडा लेकर, उन्होंने कहा उतर जाओ, तो उन्होंने वो सड़क पर उतर गए और कमलनाथ जी को भी सड़क पर ला दिया है। और कांग्रेस का मुझे लगता है अंत मध्य प्रदेश में सुनिश्चित है। लोकेंद्र जी, अहम सवाल आपसे जानना चाहते हैं, चंबल अंचल से आप भी आते हैं, 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो चंबल अंचल ने ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सत्ता की बागडोर कांग्रेस को दी थी। 2020 में चंबल अंचल ने ही उन्हें पटरी से उतारकर फिर भाजपा के खेमे में आ गए हैं। आप भी वहीं से आते हैं, ज्योतिर सिंधिया भी वहीं से आते हैं, लगभग 16 विधायक ऐसे हैं जो वहीं से आते हैं जिन्होंने सत्ता परिवर्तन, कह सकते दल परिवर्तन किया है। आने वाले इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? सवाल तो उठेंगे ना कि आपने ये कांग्रेस क्यों छोड़ी? देखो, चंबल अंचल रहा हो या मालवांचल रहा हो, दरअसल कमलनाथ जी केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे। बुंदेलखंड की तमाम योजनाओं को, ग्वालियर चंबल की योजनाओं को, मालवा की योजनाओं को, सबको निरस्त कर करके वो छिंदवाड़ा ले गए और कांग्रेस में ही उनके विधायक मंत्री कहने लगे थे कि पहले छिंदवाड़ा देख लो, उसका पेट भर जाएगा तब बाकी मध्यप्रदेश की चिंता होगी। कमलनाथ जी केवल छिंदवाड़ा के लोगों से मिलते थे, बाकी वरिष्ठ नेताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से कहते थे चलो चलो तुम्हारा टाइम हो गया। और वे किन से मिलते थे? व्यापारियों से मिलते थे और जो काम कराने के हथकंडे जानते हैं जो लोग सरकार में अंदर जाकर, उनसे मिलते थे। एक सवाल और है कि अभी आज पूरे ग्वालियर में ज्योतिर सिंधिया लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं, कुछ कांग्रेसियों ने लगाए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीबद्ध होने की बात हो रही है। रमेश अग्रवाल जैसे आप परिचित, क्योंकि आप भी वहीं से आते हैं, तो बोलो आप थाने पहुंचे हैं, जो प्रवक्ता वहां के हैं उन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं ज्योतिर सिंधिया लापता, तो क्या कैसे देखते हैं राजनीति को? देखो, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। छिंदवाड़ा में बाप बेटे के पोस्टर लग गए
तो प्रतिशोध में कुछ लोगों ने ग्वालियर में कुछ पोस्टर लगा दिए, हमारे जिलाध्यक्ष ने और हमारे पास जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेता हैं सीनियर लोग रमेश अग्रवाल जी वगैरह ने रिपोर्ट कराई है बाकायदा। मीडिया प्रभारी हैं, एक पूरी प्रदेश ये जानना चाहता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना था लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्या संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, अधिकार आपका बयान चाहिए। देखो सरकार होती है जनकल्याण के लिए, कोरोना संक्रमण के कारण ये सारी चीजें डिले हुई हैं, मुझे लगता है आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कितने जीतेंगे आप? 24 में से 24, अगर आंकड़ा होता तो मैं 24.5 जरूर बोलता, लेकिन 24 में से 24 जीतेंगे क्योंकि कमलनाथ के कहर से जनता त्रस्त है। 18 महीने में लोगों को चने चबा दिए कमलनाथ की सरकार ने, और जो कांग्रेस के लोग हैं उनका पलायन और उनका भाजपा में आना जारी, साफ तौर पर माना जा सकता है कि भाजपा इस बार दमखम के साथ दोबारा मैदान में फिर उतरेगी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं 2018 का वो घाव और दर्द जरूर याद होगा, अगर कोई गलती की गई तो कहीं ना कहीं फिर जो सत्ता की चाबी है उनके हाथ से ना निकल जाए। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ अरविंद चौहान।